हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्विच रेज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो किसी का भाई किसी की जान, जो कि ईद पर मूवी आ रही है और उसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और ऑलमोस्ट यार सबने देख लिया होगा। ठीक है, तो चलो आज हम भी देखते हैं और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदता युद्ध सभा नाम का पांडवस चाहे किम कुरु संजय। वाओ, वैसे आपका नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ। भाई वो गर्लफ्रेंड या बीवी कैसे कह देगी भाई? ये एंटीक 400 साल पुराना एंटीक था। थैंक गॉड, मुझे ऐसा लगा नया था। एंटीक पीसेस ज्यादा कीमती होते हैं। शादी से पहले तो प्यार हो गया। मैं आपको भाईजान बुलाओ तो आपको अच्छा लगेगा? अब नहीं, तो सिर्फ जान। कोई जान देता है, कोई जान लेता है। पावर। Oh my God! Violence. मेरे भाई जो है ना, मेरे अन्या, he hates violence. ससुराल तुमने सवार लिया है, अब हम सवारेंगे मायका। She's dearest to me. इसका ख्याल रखना। जान से भी ज्यादा। मुझे एक एक की चीख सुननी है। इंसानियत के नाते मैं इंसानियत का साथ दूंगा। ये लाउडियाना कौन है? लाउडियाना? ये वायलेंस नहीं है भाभी, दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। अन्नैया ने मुझको अपना सरनेम दिया गुंडा मैनिनी, और मैनिनी के पहले आता है गुंडा। गुंडा किसी नॉन वायलेंट आदमी के पीछे एक वायलेंट आदमी पड़ जाए, उस नॉन वायलेंट आदमी के सामने एक बहुत ही वायलेंट आदमी का खड़ा होना जरूरी है। इनके लिए तो हम अपनी जान भी दे देंगे। इंसानियत में बड़ा दम। सलमा वंदे। फरहाद सामजी। Bring it on. Bring it on. Okay, so भाईजान की पिक्चर आ रही है। भाईजान ऑफ कोर्स भाई, हम तो कह सकते हैं प्यार से भाईजान, है ना। पूजा हेगड़े भले ना कह पाए इस फिल्म की एक्ट्रेस, लीड एक्ट्रेस, ठीक है, वो भले ना कह पाए भाई नहीं, ठीक है। लाइक लिटरली यार, कोई भी रियल लाइफ में अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने लव वन को, ठीक है, कैसे कोई भाई कह सकता है, मतलब बुला सकता है? हाँ, वो अरे भाई वाला भाई नहीं है ना, लिटरली भाई वाला भाई कैसे? हाँ, जान बुलाने के लिए भी उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो ना वो भाई बुला सकती है ना वो जान बुला सकती है। कोई तो नाम देना था ना, प्लीज, कोई तो नाम देना था ना।
मैं इस ट्रेलर के बारे में सिर्फ इतना कहूँगी यार, अंतिम को छोड़कर जितनी भी सलमान खान की अभी इस एरा में मूवीज आई हैं, ठीक है, उससे बेटर लगा मुझे ये ट्रेलर, ठीक है, उससे बेटर लगा। लाइक सलमान खान के जो डाई हार्ट फैंस हैं ना, भाई के लिए मर मिटने वाले, भाई के लिए पागल हो जाने वाले, भाई के लिए कुछ भी कर जाने वाले लोग जो हैं, ठीक है, उनको तो फाइट सीक्वेंस देख के मज़ा ही आ जाएगा, है ना। लाइक क्योंकि हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं ना, साउथ के एक्टर करे तो कुछ भी नहीं, है ना, हॉलीवुड के एक्टर करे तो कुछ भी नहीं, तो मतलब भाईजान अगर करे तो फिर लोग क्यों ट्रोल करने आ जाते हैं। बट थोड़ा सा एक चीज़ समझने वाली चीज़ होती है कि भैया मतलब जो भी चीज़ आप दिखा रहे हो उसके पीछे एक इतना सा लॉजिक होना थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। लाइक एक पंच में कोई बिल्डिंग गिरा देना मजाक नहीं होता, ठीक है। लाइक थोड़ा सा अगर आप उसके पीछे लॉजिक दे देते कि भाई उन्हें कौन सी फाइट आती थी, लाइक हमने जॉन विक 4 में देखा है ना कि उन्हें बहुत ही टेक्टिकल फाइटिंग स्किल्स थी वहाँ जॉन विक के पास, ठीक है। बट यहाँ पे उनके नाम के आगे, सलमान भाई के नाम के आगे लगा हुआ है कि वो एक गुंडा, ठीक है। मैं नहीं कह रही, प्लीज़ यार, प्लीज़ गाली मत देने लगना ना, ठीक है, ये मैं नहीं कह रही, ये इस ट्रेलर में ही कहा गया है कि उनके नाम के आगे गुंडा लगा हुआ है ना। तो किसी गुंडे के पास इतनी फाइटिंग स्किल्स कि वो एक पंच में पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरा दे, मतलब तो सर ज़्यादा लगता है यार, तो सर ज़्यादा लगता है सच्चे में, मतलब या तो पहले ही डिस्क्लेमर दिया जाना चाहिए कि हाँ बियॉन्ड द लाइफ वाला फाइट सीक्वेंस है। बाकी वो मुझे वो ट्रेन वाला जो सीक्वेंस था, मेट्रो वाला, वो पसंद आया। हालांकि हाँ, जो मेट्रो की ट्रेन होती है वो इतनी कमज़ोर नहीं होती हैं, इतनी उसके कांच इतने कमज़ोर नहीं होते हैं कि हाँ इतनी जल्दी से फूट जाए। बट अब अगर हम कुछ कहेंगे यार तो लोग फिर पागल हो जाएंगे, ऐसा कैसे बोल सकती है, कैसे ऐसे बोली इसने, है ना, मुंह से इसके निकला कैसे, कैसे अपना ओपिनियन रख सकती है ये, बिल्कुल नहीं रख सकती है, अनसब्सक्राइब करो इसे, ठीक है, इसे गाली दो, ये करो वो करो, लोग कहने लग जाएंगे ना, इसलिए हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, ओके, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। मुझे ये ट्रेलर यार मतलब अंतिम मूवी से कम, ठीक है, बाकी राधे से ज़्यादा पसंद आया। अब बीच में तुम लोग देख लो, ठीक है। बट यार भाई सलमान खान के फैंस में हम भी गिने जाते हैं, हाँ थोड़े छोटे वाले फैंस, लेकिन हम भी गिने जाते हैं, तो ज़रूर देखेंगे मूवी, है ना, देखने तो बनता है ना देखना तो बनता है, क्योंकि सलमान भाई की ये जो लॉन्ग वाली हेयर स्टाइल है ना, ये हर एक मूवी में नहीं होती है। तेरे नाम में हुई थी जो कि ब्लॉकबस्टर मूवी रही है, सावन में हुई थी और वीर में हुई थी, छोड़ो छोड़ो, ठीक है। लेकिन हर रोज़ हम सलमान भाई को ऐसे लॉन्ग वाले हेयर स्टाइल में रोज़ रोज़ थोड़ी ना देखते हैं, तो देखना तो बनता है यार, ओके। सो यार आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अब ये मत कहने लग जाना यार कि हाँ बुरा क्यों बोली, ठीक है, लाइक इंडिया की नागरिक को यार ओपिनियन रखने का हक रखती हूँ, प्लीज़। अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ओके।